For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum. My name is Balina Han. I am a clinical dietitian. I hope all of you are having a very healthy Ramzan. आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, दैट्स प्रेगनेंसी एंड रमजान. ऑल ऑफ यू नो प्रेगनेंसी इज अ वेरी स्पेशल टाइम इन वन्स लाइफ. यू आर सपोर्टिंग योर बेबी. आप सबको जैसे पता है एनर्जी नीड्स, आपके रिक्वायरमेंट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स की सब ज्यादा हुई होती हैं रमजान में. हमारे यहाँ पे वी आर फास्टिंग फॉर 16 to 17 आवर्स अ डे, जिसमें आपने अपने आप को भी सपोर्ट करना है, आपने अपने बेबी को भी सपोर्ट करना है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग. तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी, गेट योर डॉक्टर्स अप्रूवल के कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है आपको, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कोई ऐसा इशू तो नहीं है, और आप क्या अपने आप को ड्यूरिंग फास्टिंग सपोर्ट कर सकते हैं. अगर योर डॉक्टर सेज यस यू कैन गो अहेड, तो आप रोज़ा रखें, ठीक है. उसके बाद जैसे प्रेगनेंसी को हम 3 trimesters में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर. हर एक की एनर्जी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं. डू कंसल्ट योर डाइटिशियन कि मैं इस ट्राइमेस्टर में हूँ, रोज़ा रखना चाह रही हूँ, मैं किस तरह अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करूँ. अब ये है कि जनरल गाइडेंस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे मेंटेन करनी है ड्यूरिंग फास्टिंग. इस दौरान सहरी में सबसे पहले यू मस्ट कंप्लीट योर प्लेट. प्लेट से मुराद ये है एड सम कार्बोहाइड्रेट्स इन इट, एड सम प्रोटीन्स टू इट, हैव ए कप ऑफ डेरी इन इट. एंड इससे ये होगा कि बेसिकली आपके जो है सारे दिन के विटामिंस के नीड्स जो हैं वो पूरे करेगा, ठीक है. कार्बोहाइड्रेट से मुराद ये है कि आप एक पराठा लें जो कि होल व्हीट का हो, उसे देसी घी में बना के लें, उसके साथ एक कप दूध या दही का ज़रूर ऐड करें. अपनी डाइट में 5 to 7 बादाम सहरी के वक्त ज़रूर रखें, और कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स जिसमें अंडा, कबाब या चिकन, फिश, मीट वगैरह की कोई बोटी आ सकती हो, वो एक ज़रूर कंज्यूम करें, ताकि पूरा दिन आपका एक अच्छा एनर्जी लेवल मेंटेन रहे. एंड फॉर हाइड्रेशन डू हैव 2 to 3 कप्स ऑफ वाटर. और अगर हम अफ्तार की बात करें तो सुन्नत नबवी के मुताबिक हैव ए डेट एंड ए कप ऑफ मिल्क विद इट. उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हैव ए बाउल ऑफ फ्रूट सैलड, जिसमें आप डिफरेंट फ्रूट्स मिक्स करें, ताकि आपके पूरे दिन की जो विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है वो पूरी हो सके. फिर आप घंटे डेढ़ घंटे की ब्रेक लेके अपने वेजिटेबल सैलड ऐड करें अपनी डाइट में, उसके साथ एक चपाती ऐड करें, और कोशिश करें कोई प्रोटीन सोर्स इनकॉर्पोरेट करें उसके साथ, जैसे कि चिकन, मीट या 2 किस्म की दालें मिक्स करके अगर आप कंज्यूम करें तो वो ज़रा कंप्लीट प्रोटीन की तरफ आ जाता है. दैट वुड बी बेटर फॉर यू. फिर सोने से पहले हैव ए कप ऑफ वार्म मिल्क. ये सारी जो है ये जनरल गाइडलाइंस हैं फॉर हेल्दी एंड स्टेबल प्रेगनेंसी. बाकी ये है कि फॉर योर रेगुलर नीड्स डू कंसल्ट योर डाइटिशियन. थैंक यू.